कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना। देखिए कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना क्या होता है, ये जो एंटीना होता है ये एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग शीट की तरह होता है, ठीक है, जो एक दो शीट जो आपस में एक पॉइंट पे मिलती हैं, एक और वहां पे जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं वहां पे एक पर्टिकुलर एंगल बनता है, एक कॉर्नर बनता है, इसी वजह से ही इसे कॉर्नर रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टर एंगल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंगल होता है इसमें जैसे कुछ इस तरह से एक शीट होगी जो आपस में एक पर्टिकुलर एंगल पे मिलेगी और इन दोनों के बीच में ये जो F है, F क्या है, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग शीट है, F एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग शीट है और यहाँ पे एक एंटीना होगा, एक ड्रिवन एलिमेंट होगा, क्या होगा, एक ड्रिवन एलिमेंट। कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना में एक ड्रिवन एलिमेंट होता है जो कि एक हाफ वेव डाइपोल होगा, डी ड्रिवन एलिमेंट है ये, हाफ वेव डाइपोल यानी कि लैम्डा अपॉन टू होता है और इसके पीछे ट्रांसमिशन लाइन इसके साथ कनेक्टेड होती है। जो रिफ्लेक्टर होती है इसमें दो फ्लैट कंडक्टिंग शीट्स होती हैं जो एक कॉर्नर पे आके एक पर्टिकुलर एंगल पे मिलती है, ठीक है। और जो हमारा डाइपोल होता है, ड्रिवन एलिमेंट है डाइपोल लैम्डा अपॉन टू, इसका जो डिस्टेंस होगा वो डी होगा और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा जहां पे वो मिलती है वो बीटा सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे जो इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा और ये जो एंगल होता है इस एंगल को कॉर्नर एंगल बोलते हैं और इस तरह की अरेंजमेंट को कॉर्नर रिफ्लेक्टर और ड्रिवन एंटीना भी बोला जाता है। ड्रिवन एंटीना को कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना बोला जाता है। कॉर्नर एंगल बीटा जो कि 90 डिग्री का होता है, दो फ्लैट शीट आपस में मिलती हैं एक राइट एंगल पे और एक राइट एंगल पे मिलती हैं यानी 90 डिग्री पे मिलती हैं और एक स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका जो रेडिएशन पैटर्न है किसकी डायरेक्शन में होगा, जहां पे ड्रिवन एलिमेंट है ना उसी की डायरेक्शन में इसका रेडिएशन पैटर्न बनता है, ये इसका रेडिएशन पैटर्न रिप्रेजेंट करता है। देखिए डी ड्रिवन एलिमेंट है, एफ, एफ क्या है, फील्ड रिफ्लेक्टिंग शीट है और ये जो है ना, ये जो हमने डायग्राम शो किया है ये वर्टिकल कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना है और साथ में इसका रेडिएशन पैटर्न है, ये तो वर्टिकल है, ठीक है, और बीच में होती है मेन इंटरसेक्टिंग एक्सिस, क्योंकि उसी की जो इंटरसेक्टिंग एक्सिस होती है ना, एक्सिस होती है उसी के अकॉर्डिंग ही रेडिएशन पैटर्न बनता है। इसके अलावा दूसरा जो एंटीना होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना। ये वर्टिकल है जो हमने अभी किया है और जो अब कर रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है, सेम इसमें भी 90 डिग्री का एंगल होता है, ट्रांसमिशन लाइन और ड्रिवन एलिमेंट होता है, ये भी लैम्डा अपॉन टू का होगा, इसका डिस्टेंस भी उतना ही होगा लैम्डा अपॉन टू का, सेम वैसे ही, बस डिफरेंस क्या है, एक वर्टिकल कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना है, दूसरा हॉरिजॉन्टल कॉर्नर रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर एंटीना है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल वाले का रेडिएशन पैटर्न, हॉरिजॉन्टल का रेडिएशन पैटर्न कैसे बनेगा, उसके ये जो हमारा पैटर्न है ना इसके अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है उसके अकॉर्डिंग ही जो उसका एलिमेंट होगा ना उसके अकॉर्डिंग ही इसका रेडिएशन पैटर्न बनेगा। डी ड्रिवन एलिमेंट यानी कि ये वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी इसके अक्रॉस ही इसका रेडिएशन पैटर्न बनेगा, जैसे वर्टिकल का बन रहा था वैसे ही। अब देखिए इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो अरेंजमेंट होती है, जो ड्रिवन एंटीना होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन एक कॉर्नर रिफ्लेक्टर की तरह होती है, ये जो हमारा डायग्राम है वर्टिकल कॉर्नर रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर एंटीना है, इसकी जो अरेंजमेंट होती है इसमें ये एक एक्टिव इफेक्ट होता है, इसमें एक्टिव इफेक्ट मीन्स टू से जो भी डायरेक्शनल एंटीना की रेंज होगी कॉर्नर की, वो जो बीटा एंगल होगा वो जीरो से तो बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, यानी कि 90 डिग्री का होता है। और जो हमारा स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर है अगर हम उसे देखें
बिना ड्रिवन एंटीना के, यानी कि अगर उसमें कोई भी ड्रिवन एंटीना नहीं है, वो कैसे? यानी कि जो रेडिएशन, जो हमारा इंटरसेक्टिंग एक्सिस या रेडिएशन पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग बीच में एंगल जो है, दो कॉर्नर्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, दो फ्लैट्स हैं जो आपस में मिल रहे हैं और बीच का जो एंगल है वो सेम 90 डिग्री का है, लेकिन क्या है, इसमें कोई भी ड्रिवन एंटीना नहीं है। जैसे इसमें ड्रिवन एंटीना है ना, ऐसे इसमें कोई भी ड्रिवन एंटीना नहीं है। और जब इसमें ड्रिवन एंटीना प्रेजेंट नहीं है तो इसका जो इफेक्टिव डिफ्लेक्टर या पैसिव बोले, ये पैसिव होगा, ठीक है, इसमें इनकमिंग वेव, ये इसकी इनकमिंग वेव है, तो ये रिफ्लेक्ट होके एंटीना से वापस जाएगी और जिस डायरेक्शन में इनकमिंग वेव आती है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड वेव जाती है, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन से एंड जिस एंगल पे, जिस डायरेक्शन से एंड इनकमिंग वेव आएगी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड वेव जाएंगे, ठीक है। और इसका जो पाथ है, इसमें क्या होगा कि एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा प्लेन के अकॉर्डिंग आई एंगल बनेगा, यानी यहाँ पे जितना एंगल बनेगा ना, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड का आर एंगल बनेगा, तो एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि जिस पास से इनकमिंग आ रही है उतनी उसी पास में, उसी डायरेक्शन में रेडिएटेड, उसी एंगल में रेडिएटेड वेव जाएंगे, तो इनका जो ये जो होंगे ये इक्वल होंगे। और इसके अलावा इसके जो वाइड रेंज एंगल होता है वो आई जो होगा, आई जो एंगल होगा वो जीरो से तो बड़ा होगा और पाई अपॉन फोर प्लस माइनस पाई फोर कोट से छोटा होगा, ये प्लस भी हो सकता है, थोड़ा माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंगल होता है। इसके अलावा जो कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना होगा उसकी जो एनालिसिस होगी वो इमेज ऑफ कॉर्नर एंटीना से की जा सकती है। इमेज ऑफ कॉर्नर एंटीना, देखिए क्या होता है, हमने क्या लिया है कि बीटा जो होगा, अगर हम मानते हैं बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन एन है, हमने इसमें बीटा 90 डिग्री लिया है, अगर मान लीजिए बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन एन है, एन क्या है, एन जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंटीजर को, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि n 1 है, इंटीजर n 1 है, अगर 180 डिग्री अपॉन n क्या है, 1, यानी 180 डिग्री अपॉन 1, तो बीटा किसके इक्वल आ गया, बीटा आ गया 180 डिग्री के, बीटा किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के, तो इसका मतलब है कि पाई रेडियन है। तो अगर बीटा, हमने तो जो एक्सप्लेन किया है वो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग किया है ना, जब बीटा 180 डिग्री का हो जाएगा तो ये जो हमारे फ्लैट हैं एफ, जो कि फ्लैट रिफ्लेक्टिंग शीट्स हैं, ये वाली शीट्स एफ, तो ये क्या हो जाएंगी, ये बिल्कुल एक ओपन शीट की तरह हो जाएंगी, ठीक है ना, ये कॉर्नर नहीं रहेंगी, ये एक फ्लैट शीट हो जाएगी, एक बिल्कुल ओपन बुक की तरह, इसमें कोई एंगल नहीं, क्योंकि एंगल 180 डिग्री का है तो वो बिल्कुल ही ओपन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 2 हो जाए, n इज इक्वल टू 2 हो जाए तो बीटा 90 डिग्री होगा, यानी एक राइट एंगल होगा, बीटा क्या होगा 90 डिग्री, जैसे कि हमने इसे एक्सप्लेन किया है, तो रेडियन पाई अपॉन 2 रेडियन हो जाएगा, यानी 180 डिग्री अपॉन n, यानी कि 2, 180 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है ना, तो पाई अपॉन 2 रेडियन। तो यहां पे ये जो रिफ्लेक्टर है ये स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर बन जाएगा। ऐसे ही अगर n 3 है तो बीटा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी पाई अपॉन 3 रेडियन। कॉर्नर एंगल यानी इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का, और कम एंगल हो जाएगा, ठीक है ना, कॉर्नर एंगल 60 डिग्री का रह जाएगा। ऐसे ही 4 है तो बीटा 45 डिग्री का हो जाएगा, यानी पाई अपॉन 4 रेडियन, जो कॉर्नर एंगल है वो कितने का होगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो मेथड है इमेज कॉर्नर एंगल का है, यानी पाई, पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 4,
उसका यूज किया जाता है इंटरमीडिएट एंगल की फॉर्म में और इसे इंटरपोलेशन से देखा जाता है। अब जो हमारा इमेज होगा ना कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंगल का, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ये हमारा कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।